ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। जैसे सबका शुरुआत होता है वैसे ही अंत होता है। सुख शांति और खुशियाँ इतना काफी नहीं है। फटीक मन्नू के मामा कुछ दिन उनके घर पे रहे। वो कुछ दिन हंसी खुशी गुजरा। लेकिन एक दिन सोच रहा हूँ कल शहर चला जाओ। ये क्या, अभी तो आए हैं भैया, कुछ दिन और रहिए भैया। नहीं, बहुत दिन रह लिया मैं। घर पे तुम्हारी भाभी है, दो बच्चे हैं, जाना तो होगा ही। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, शहर के स्कूल में। तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक से पढ़ते हैं? हाँ लेकिन फटीक। क्यों, फटीक क्या करता है? मन्नू पढ़ने लिखने में सही है, लेकिन फटीक के बारे में सुनिएगा तो गुस्सा आएगा आपको। तो फटीक को मैं अपने साथ शहर ले जाऊँ? अगर तुम्हारा फटीक जाना चाहे तो उसे ले जाऊंगा। नहीं भैया, इसमें ना जाने की क्या बात है। क्यों फटीक, जाएगा तू कहाँ? मामा के साथ शहर, ट्रेन गाड़ी बहुत सारा चीज देखेगा। हाँ जाऊंगा, मुझे गाड़ी पे बिठाइएगा, घोड़ा पे बिठाइएगा, बोलिए सब दिखाइएगा। हाँ हाँ दिखाऊंगा, गाड़ी पर बैठाऊंगा, घोड़े पर चढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ की बात सुनना होगा। क्या बात माँ? तुम्हारे मामा शहर के स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, तुम मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है? ठीक है, लेकिन कब जाएंगे शहर माँ? कल सुबह ही। शहर जाने की खुशी में फटीक रात भर सोया नहीं, शहर जाने के बारे में सोचते रहा। अगले दिन सुबह सुबह ही फटीक अपने मामा से जाकर पूछा, मामा खा पी के हम लोग निकलेंगे? हाँ मामा, शहर क्या यहाँ से नाव में जाना होगा? पहले थोड़ा दूर नाव में, उसके बाद स्टीमर में। फटीक, तू मुझे छोड़कर अकेले शहर जा रहा है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? धन, आप मुझे सिर्फ मारते हैं, डांटते हैं। मैं तो शहर चला जाऊंगा तो आप मुझे डांट नहीं पाइएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। कब आएगा इस लड़के को अकल? देखते ही देखते शहर जाने का समय आ गया। मन्नू, अब मैं शहर जा रहा हूँ। मैं अपना सारा खिलौना, घोड़ा गाड़ी सब तुझे दे के जा रहा हूँ। भैया। चलता हूँ बहन। माँ, जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जय माता रानी। फटीक अपने मामा के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। स्टीमर में चलते चलते देखा एक विचित्र दृश्य। एक पाँव आगे बढ़े ना, दो पाँव आगे बढ़े ना, तीन पाँव आगे बढ़े ना। मामा ये क्या कर रहे हैं? पानी नाप रहे हैं। मामा शहर कब पहुँचेंगे? पहुँचने वाले हैं, थोड़ा और देर। उनका यात्रा खत्म हुआ, वो लोग पहुँच गए शहर। फटीक का मामा फटीक को लेकर अपने घर गए। घर पहुंचने के बाद घटा घटना बहुत सा। आज बस यही तक, बाकी का घटना बाद में।